मेरी कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। देखना ये प्रश्नावली 3.2 का करके देखे हैं। जांचे कि x के दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। ध्यान देना, x के दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। देखो यहाँ जैसे बहुपद में शून्य होता था वैसे ही समीकरण में उसको मूल कहते हैं। जैसे शून्य दो होता है अल्फा और बीटा, वैसे ही मूल भी दो होता है अल्फा और बीटा। इसको याद रखना, बहुपद में उसको शून्य बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। जो x का मान रहता है, याद रखना जो x का मान है वही उसका मूल है। जैसे इसमें लिखा है x बराबर -5 और x बराबर -1, ये जो x का मान है यही क्या है, इसका मूल है। दो मान होता है, जैसे ये लिखा है इसको हमको क्या करना है, जांचना है। तो जो प्रश्न ये लिखा है इसको दोनों साइड लिख लो। ध्यान से देखो, बहुत आसान है। इसको इस प्रकार लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर क्या लिखना, 0। और फिर से इसको इधर लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। इसी प्रश्न को दोनों साइड लिख देना। अब क्या करना, एक्स बराबर -5 यहाँ लिखना, एक्स बराबर -5 रखने पर, और ये जो -1 है उसको इधर लिखना, एक्स बराबर -1 रखने। देखना यहाँ एक एक करके क्या करना है, इस मान किसको रखना है, x के जगह पर क्या लिखना है, -5। ध्यान से देखो, ये x है, इसकी जगह क्या लिखना, -5 कोष्टक करना, घात क्या लगाना, 2। यहाँ प्लस है, 6 को वैसे ही लिख देना, x के जगह क्या लिखना, -5, लेकिन ध्यान रहे किसमें लिखना है, कोष्टक में। फिर ये प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। ध्यान देना, अगर घात सम है, घात 2 है ना, सम घात है, घात सम है तो माइनस को लिखने का जरूरत नहीं है। 5 की घात 2 है तो 5 दूनी 10 नहीं करना, क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 × 5 करना, इस प्रकार 5 × 5 लिखना, 6 पंचे 30। देखो ये प्लस ये माइनस अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया ये प्लस, 5 बराबर क्या हो गया, 0। 5 पंचे क्या हो जाएगा, 25, -30 प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से क्या करना, समान चिन्ह पे जैसे कर लेना, यहाँ पर क्या है प्लस, ये हो गया 25, फिर 5 को लिख देना, अरे -30 बराबर क्या हो गया, 0। ये समान चिन्ह जुड़ता है तो 25 + 30 -30 बराबर 0। ये प्लस है, देखो अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है और एक जैसे है तो बढ़ जाएगा, क्या हो गया, 0 बराबर 0। याद रखना, अगर इधर जितना है उतना इधर भी आना चाहिए, दोनों अगर बराबर हो गया तो ये क्या होगा, इसका मूल होगा। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो समीकरण का मूल नहीं होगा। याद ही करना, अतः x बराबर -5 दिए गए समीकरण का मूल है, दिए गए समीकरण का मूल है। क्लियर है, इसको देखना, फिर इसको रखना, एक बराबर -1 इसमें रखेंगे। ध्यान से रखना मान को, ये -1 कोष्टक करके घात 2, ये प्लस हो गया, ये 6 को वैसे लिख रहा, एक्स के अगर -1, ये प्लस 5 बराबर 0। ये देखो फिर से क्या बताया, घात सम है, माइनस को लिखने जरूरत नहीं है। एक की घात 2 मतलब एक दूनी 2 नहीं करना, एक को कितने बार लिखोगे, 1 × 1, 6 × 6 प्लस माइनस माइनस, गुणा करने के बाद चिन्हों पर ध्यान देना है, ये प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। एक एक अंक कितना होता है, 1 − 6 प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। अब समान चिन्ह एक जैसे करना है, ये प्लस 1, ये प्लस 5 और ये -6 बराबर 0। समान चिन्ह जुड़ता है, 5 और 1 = 6, −6 = 0। देखो ये प्लस 6 माइनस 6 कट गया, 0 = 0, दोनों बराबर हो गया, अतः क्या हो जाएगा, अतः x बराबर -1 क्या है, दिए गए समीकरण का क्या है, इस समीकरण का मूल है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। अब देखो ये आप लोग के लिए क्या है, ये आप लोग के लिए गृह कार्य है, इसका दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इसी प्रकार आपको x के मान को उसमें रखना है। अगर दोनों बराबर हुआ तो उसका मूल है और नहीं हुआ तो मूल नहीं है। और सॉल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना न भूले। धन्यवाद।